गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, स्वागत है आप लोगों का इस सत्र में। और हम 11th के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अदर वेक्टर। इसको हम दो तरीके से देखेंगे, या बोले तो दो फॉर्म में देखेंगे। एक हमारा फॉर्म होगा स्केलर फॉर्म और एक होगा वेक्टर फॉर्म। बहुत आसान चीज़ है, देखते हैं इसको। मान लेते हैं हमारा ये वेक्टर ए है और ये हमारा वेक्टर बी है। ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी और इन दोनों वेक्टर्स ए और बी के बीच की एंगल थीटा बन रही है। तो प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अदर वेक्टर, हमें एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है। तो अभी हमारा तत्काल क्या करते हैं, हम वेक्टर बी का प्रोजेक्शन निकालते हैं वेक्टर ए के ऊपर, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये जो हमारा लेंथ है, ये लेंथ जैसे स्केलर फॉर्म में हम लोग देख रहे हैं, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच एंगल थीटा बन रही है। अब वेक्टर बी का हमें प्रोजेक्शन निकालना है ए पर। तो यदि हमें बी से ए पर प्रोजेक्शन निकालना हो तो बी से परपेंडिकुलर डालेंगे ए पर। और ये जो लेंथ हुई, ये यदि प्रोजेक्ट होगा तो यही लेंथ प्रोजेक्ट होगा। ये जो लेंथ है, यही लेंथ है वेक्टर बी का प्रोजेक्शन वेक्टर ए के ऊपर स्केलर फॉर्म में। हम इस चीज को लिखते हैं प्रोजेक्शन ऑफ बी, वेक्टर बी किस पर, ऑन वेक्टर ए बराबर। वेक्टर बी का प्रोजेक्शन वेक्टर ए के ऊपर, तो वेक्टर बी को से हमने परपेंडिकुलर डाला ए पर और ये जो लेंथ आई यही है बी का प्रोजेक्शन ए पर। अब हम ये लेंथ यदि निकाल पाए तो आप साधारण ट्रिग्नोमेट्री में देखे होंगे कि इस थीटा के लिए, चूंकि यहाँ हम परपेंडिकुलर डाले तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल जैसा हुआ। और इस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर, ये थीटा का एडजेसेंट साइड है बेस, और चूंकि यहाँ 90 डिग्री बन रहा है तो ये हमारा हाइपोटेन्यूस है। और आप जानते हैं कि किसी वेक्टर के लाइन सेगमेंट की लंबाई उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। तो हम यदि हमें यहाँ चाहिए, हमें हाइपोटेन्यूस मालूम है क्योंकि ये जो वेक्टर है इसके लाइन सेगमेंट की लंबाई मतलब वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और इस थीटा के लिए ये बेस है। तो आप यदि यहाँ इस ट्रायंगल में, इस राइट एंगल ट्रायंगल में कॉस थीटा लगाते, मान लेते हम इसको एक्स बोल देते इस लेंथ को, तो यदि हम कॉस थीटा लगाते इस ट्रायंगल में तो कॉस थीटा होता है बी बाय एच। बी को हमने एक्स कंसीडर किया है, एक्स बाय बी बाय एच, तो बी के जगह हमारा एक्स है और एच के जगह पर हमारा बी है। बी मतलब वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, जो उसके लाइन सेगमेंट की लंबाई, तो उसको सिंपली हम लोग बी से दिखाते हैं। यहाँ से आप एक्स निकालिएगा तो एक्स की वैल्यू आएगी बी कॉस थीटा, ठीक है बच्चों। तो प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, उसकी वैल्यू आई ये लंबाई, ये लेंथ एक्स, और इसका वैल्यू हम जब निकाले तो ये आया बी कॉस थीटा। अब थोड़ा सा इसको, यदि आपको थीटा मान लेते हैं कि यदि ये तो हो गया प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, ऐसा हो सकता है कि आपको कंपोनेंट फॉर्म में वेक्टर दिया रहे, उन दोनों के बीच एंगल मालूम नहीं हो, वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में दिया रहे तो हम कैसे प्रोजेक्शन निकालेंगे। तो यदि वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में दिया रहता है तो आप उसका डॉट आसानी से निकाल सकते हैं या उसकी मैग्नीट्यूड भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इसमें वेक्टर ए के
मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा ए बी कॉस थीटा। लेकिन आप जानते हैं कि किसी चीज़ में यदि आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उसी चीज़ से डिवाइड करना पड़ता है, क्योंकि मार्केट में तो हमारे पास बी कॉस थीटा है। अब देखिए, हम इसमें ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर दिए और उसी ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिए। ऐसा करने से ए और ए कैंसिल ही हो जाएगी तो बी कॉस थीटा होगा। अब आप जानते हैं कि जब हम दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट पढ़े थे तो ए डॉट बी बराबर था ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी था ए बी कॉस थीटा। तो अभी आप देखिए, एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है और उनके बीच एंगल थीटा बन रहे हैं, तो क्या हम इस ए बी कॉस थीटा को ए डॉट बी लिख सकते हैं? आसानी से लिख सकते हैं। तो हम इस ए बी कॉस थीटा को लिखेंगे ए डॉट बी बाय ए, या इसको जिस तरह से हमने वेक्टर के मैग्नीट्यूड को इस तरह से रिप्रेजेंट किया, कोई इसको इस तरह से भी लिखता है कि ए डॉट बी, और ये जो ए है विदाउट एरो का, ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है। कुछ लोग इसको एरो सहित रखते हैं लेकिन मोड लगाते हैं, ठीक है। तो या तो आप ऐसा लिखे या ऐसा लिखे। तो ये हो गया प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन ए, दैट मीन्स प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। उसका फॉर्मूला आया ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। याद रखने का तरीका क्या है ऑन ए, याद रखने का बच्चों हमने एक तरीका बनाया है कि आप कंफ्यूज हो जाते हो कि किसका प्रोजेक्शन किस पर कह रहा है और वो क्या होगा। तो यहाँ याद रखने का तरीका है कि प्रोजेक्शन ऑफ बी, किसका प्रोजेक्शन, बी ऑन ए, किस पर, ए पर। और अब देखिए, यदि हमारा कोई एक टेबल है और इस पर कप है तो कप किस पर है, टेबल पर, तो नीचे कौन है, टेबल जिस पर है। तो यहाँ ऑन माने पर, किस पर प्रोजेक्शन, ए पर। तो जिस पर होता है, टेबल पर होता है कप, तो टेबल क्या होता है, नीचे। उसी तरह से ऑन ए, ए पर, तो ए के मैग्नीट्यूड क्या है, नीचे में। तो जिस पर बोला जाए, जिस वेक्टर पर प्रोजेक्शन बोला जाए, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तो ऑन ए, ए पर, तो ए की मैग्नीट्यूड नीचे होगी और जो भी दोनों वेक्टर होगा उसका ऊपर में क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। यदि आपको बोले, इसी तरह से मान लेते हैं, आपको बोले कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर सी ऑन वेक्टर डी, ऑन वेक्टर डी, ध्यान दीजिए ऑन मतलब पर, किस पर, डी पर। तो आप सिंपली लिखें सी डॉट डी, लेकिन प्रोजेक्शन ऑफ सी ऑन डी, किस पर, डी पर। तो नीचे में किसके मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कीजिएगा, डी से। या जिसका मैग्नीट्यूड नीचे में है, इसका मतलब प्रोजेक्शन उस पर है। या यदि आपको बोलता कि प्रोजेक्शन ऑफ डी ऑन सी, तो होता सी डॉट डी, और ऑन सी बोला तो किसकी मैग्नीट्यूड नीचे होती, सी की, ठीक है। तो ये हमारा आया प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। सिमिलरली जैसा कि हम अभी बताएं, यदि आपसे पूछता प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तरीका यही था, और आप यदि इसको इसी प्रोसेस में काम करते तो हमारा फॉर्मूला आता ए डॉट बी, किस पर बोला गया है, बी पर, तो बी की मैग्नीट्यूड नीचे आती। या तो लोग मैग्नीट्यूड को इस तरह से दिखाते, या आप इसको फॉर्मूले को ऐसा लिखें ए डॉट बी बाय, ये क्या है, बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है बच्चों। ये था हमारा किसी एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर के ऊपर स्केलर फॉर्म में। और हमने आपको याद कराने का तरीका ये बताया कि जिस पर बोले उसका मैग्नीट्यूड नीचे होता है, बाकी जिन दोनों वेक्टर की बात की जा रही हो कि इसका उस पर प्रोजेक्शन, उन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हम ऊपर लिखते हैं, ठीक है। अब इसी को हम लोग वेक्टर फॉर्म में देखते हैं। वेक्टर फॉर्म में देखने का वही सिंपल सा मतलब है कि हमको उसमें डायरेक्शन भी ऐड करना है। यहां सिर्फ हम ये जो निकल के आया है, आप ए डॉट बी, आप जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट होता है, तो न्यूमरेटर भी स्केलर है और नीचे में किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी स्केलर होता है, तो स्केलर है। यानी ये जो पूरी चीज है,
जो हमारा दोनों फार्मूला उसमें वो जो निकल के आएगी वो पूरी की पूरी स्केलर आएगी। तो ये स्केलर फॉर्म में था, अब हम लोग वेक्टर फॉर्म में बात कर लेते हैं। तो तरीका हम वही अपनाते हैं, फिगर अपन बना लेते हैं। पहले ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। इन दोनों वेक्टर ए और बी के बीच एंगल बन रही है थीटा। मान लेते हैं हमें निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। तो जिस पर बी का प्रोजेक्शन निकालना है ए पर, तो बी के जो हेड है उससे हम ए पर परपेंडिकुलर डालते हैं। ये जो हमारा लेंथ होगा यही लेंथ x, इस वेक्टर b का प्रोजेक्शन होगा वेक्टर a पर। तो अभी हम आपको दिखाएं कि ये x किस तरह से निकालते हैं, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक के टेक्निक्स यूज करके इस x की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो वो आएगा b cos थीटा। वेक्टर फॉर्म में लिखने का मतलब था बच्चों कि ये जो प्रोजेक्शन होगा इसमें हमें डायरेक्शन भी दिखाना है। तो अब जो ये प्रोजेक्शन आया बी का ए के अलोंग वेक्टर फॉर्म में, तो यहाँ हमने एरो दिखाया, इसका मतलब अब इस वेक्टर की लाइन सेगमेंट की लेंथ कितनी है, बी कॉस थीटा। लेकिन ये जो वेक्टर की लाइन से ये जो हमारा वेक्टर आया ये है प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए वेक्टर फॉर्म में। तो अब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड दैट मीन्स इस वेक्टर के लाइन सेगमेंट की लंबाई और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को यदि हम x बोले, तो अभी तुरंत हम आपको दिखाएं कि x की वैल्यू आती है b cos थीटा। लेकिन अब इसमें चूंकि डायरेक्शन भी है, तो ये जो इस वेक्टर की डायरेक्शन आप देख रहे हैं किसके अलोंग है, वेक्टर a के अलोंग है। तो ऐसा करते हैं कि हम इसमें यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर देते हैं a के डायरेक्शन में, तो यहाँ हो जाएगा यूनिट वेक्टर a, ठीक है। फिर यदि आपको वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में दिया रहे, आपको उसके बीच का एंगल नहीं मालूम हो, तो आप वैसे एंगल निकाल भी सकते हैं, लेकिन आप एंगल निकालिएगा वो एक लॉन्ग टाइम टेकिंग प्रोसेस या लॉन्ग प्रोसेस होगा। तो उसके लिए फिर हम वही चीज करते हैं कि ये बी कॉस थीटा है, इस वेक्टर एक यूनिट वेक्टर को हम लिखते हैं वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए बाय वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, ऐसा लिख सकते हैं। किसी भी वेक्टर के यूनिट वेक्टर को हम लिख सकते हैं वो वेक्टर और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब यदि आप देखें या इसको इस तरह से यदि हम रहने ही दें, मान लेते हैं यूनिट वेक्टर ए है, अब हम इसको उस फार्मूले पर लाने के लिए इसमें क्या करते हैं, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो जाएगा ए बी कॉस थीटा बाय, अब हम यहाँ मल्टीप्लाई किए हैं वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड से, तो यकीनन हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड से और यूनिट वेक्टर ए। अब आप इसको देख सकते हैं ए बी कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं ए डॉट बी, ए डॉट बी बाय वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और इसमें फिर मल्टीप्लाई है हमारा यूनिट वेक्टर ए, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब आप देखिए इस पूरी चीज को देखिए, तो ये है वेक्टर ए बाय वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर ए डॉट बी और इसमें मल्टीप्लाई है यूनिट वेक्टर ए। यदि आपको याद नहीं रहे, मान लेते हैं ये चीज आपको याद नहीं रहे, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसमें आपको सिर्फ ध्यान निकालना है कि प्रोजेक्शन ऑफ बी ए ऑन ए, यानी बी का प्रोजेक्शन ए पर, तो बी कॉस थीटा और डायरेक्शन किधर, तो इसकी डायरेक्शन होगी ए के डायरेक्शन में, तो हमने ए का यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई किया है बी कॉस थीटा, ए का यूनिट वेक्टर। अब हम फार्मूला पर आने के लिए इसमें वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई किए हैं, तो वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड भी किए हैं। अब ए बी कॉस थीटा हो गया ए डॉट बी बाय वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर ए।
अब कुछ लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि वेक्टर ए बटा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, तो यूनिट वेक्टर ए होता है, तो यूनिट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इंटू यूनिट वेक्टर ए। यह आप याद करने का तरीका देखें तो यदि प्रोजेक्शन ऑफ बी कहा गया है किस पर, ए पर, तो प्रोजेक्शन ऑफ बी कहा जाए ए पर वेक्टर फॉर्म में, तो जिस पर प्रोजेक्शन बोला है देखे दोनों जगह उस वही यूनिट वेक्टर है, यहाँ भी यूनिट वेक्टर ए है और यहाँ भी, और यूनिट वेक्टर ए के साथ डॉट हुआ है वेक्टर बी का और फिर इसमें मल्टीप्लाई है यूनिट वेक्टर ए। अब जैसे अब मान लेते हैं हमको हम इसको दूसरे तरह से लिखते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी किस पर लिख रहे हैं, बी पर। यदि हम ए पर लिख रहे थे तो सिर्फ ए का यूनिट वेक्टर आया था, अभी किस पर लिख रहे हैं, बी पर, तो यूनिट वेक्टर किस फॉर्म में आएगा, बी के फॉर्म में आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं ए डॉट यूनिट वेक्टर किसका होगा, बी का, और फिर इसमें मल्टीप्लाई होगा यूनिट वेक्टर किसका, बी का। अब किसी आदमी के दिमाग में या किसी स्टूडेंट के दिमाग में सवाल उठता हो, सर यहाँ तो यूनिट वेक्टर पहले है और यहाँ आप क्या लिख दिए, बाद में लिख दिए, यहाँ था यूनिट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर ए, लेकिन यहाँ तो आप लिखे हैं बी पर प्रोजेक्शन पूछा, तो यकीनन हमने दोनों जगह बी का ही यूनिट वेक्टर लिया है, लेकिन यहाँ तो हम बाद में ले लिए। तो आपको हम इसके लिए बताएं कि आपको जानकारी होगी कि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, ए डॉट बी लिखें या बी डॉट ए लिखें, तो यहाँ जो यूनिट वेक्टर बी है तो यूनिट वेक्टर बी है, हालांकि वो वेक्टर ही तो है, तो या तो लिखते ए वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर बी या यूनिट वेक्टर बी डॉट ए, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अदर वेक्टर, ठीक है। ये हमारा आज का रिजल्ट था, हमने जो आपको याद कराने का तरीका बताया उस तरीके का यूज करके देखते हैं हम लिख पाते हैं कि नहीं, और आपको यही याद रखना है। तो एक बार हम कोशिश करके देखते हैं, तो पहला जो था प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अदर वेक्टर स्केलर फॉर्म में, तो आपको हम बताए थे कि यदि हमको लिखना हो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर सी ऑन डी, हम स्केलर फॉर्म की बात कर रहे हैं, तो हम आपको बताए थे किस पर लिखने के लिए बोल रहा है, डी पर, तो किसकी मैग्नीट्यूड नीचे होगी, डी की, और उसके बाद इन दोनों का क्या कर दें, डॉट कर दें। यह सिंपल सा तरीका था, दोनों का डॉट और जिस पर प्रोजेक्शन पूछा है उसकी मैग्नीट्यूड नीचे। वेक्टर फॉर्म में यदि बात करें इसी चीज को हम लिख रहे हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर सी किस पर, ऑन डी। तो हम यहां तरीका बताए कि जिस पर प्रोजेक्शन हो उसका दोनों जगह क्या आने वाला है, यूनिट वेक्टर, तो सीधा हम लिखते किस पर प्रोजेक्शन पूछा है, डी पर, तो सी वेक्टर सी जो पहले है उसी को लिख लेते हैं डॉट यूनिट वेक्टर डी मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर डी, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है बच्चों। ये था हमारा आज का टॉपिक, प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अदर वेक्टर इन टू फॉर्म, एक स्केलर फॉर्म दूसरा वेक्टर फॉर्म, उसको याद करने का हमने तरीका बताया। हालांकि आप खुद से सोच के इसको डराइव भी कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, और जब ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो यकीनन इसे आप अपने दोस्तों को के साथ शेयर करेंगे, और इसी तरह की वीडियो आपको लगातार मिलती रहे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे उसके लिए आप हमारे YouTube चैनल जो YouTube पर श्री कृष्णा क्लासेज मधेपुरा के नाम से मौजूद हैं उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएँ। धन्यवाद, दैट्स इट।